नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN और मैं कौशलेंद्र। अभी हम बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव बड़ी बातें बोल रहे हैं, सुनिए तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। हम लोग उसको फॉलो करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी बिहार मॉडल की तरह तारीफ हो रही है। हाँ, नहीं तो हर जगह होना ही चाहिए। पूरे देश में जो है मांग जो है उठ रही है। कई राज्य जो है अब जो है चुनावों में भी बोला गया है कि हर जगह जो है कास्ट सेंसस जो है राज्य सरकार जो है कराएगी। लेकिन असल में ये तो काम जो है मानवता के लिए हुआ है ना, और सही साइंटिफिक डेटा जो है वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि वो उस हिसाब से योजनाएं बनाए। और अब तो हम लोग तो कई बार मांग कर चुके हैं, जो लोग आपत्ति जो लोग दर्ज करते हैं उन लोगों को कम से कम प्रधानमंत्री से बोल करके देश भर में जाति जनगणना करवानी चाहिए। यहाँ तो सेंसस भी नहीं हो रहा, तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी आबादी है, कैसी स्थिति में है, क्या कर रही है, तो ये सारा पता होना चाहिए। उसी हिसाब से तो सरकारें जो हैं वो काम करेंगी। तो प्रियंका जी ने जो बोला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे। जब पटना आए थे तो उन्होंने हुंकार भरी कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त कर देंगे। अब ऐसा तो लग रहा है वो खुद ही समाप्त हो रहा है। जितने क्षेत्रीय दल थे वो तो सब इनसे बिछड़ गए, कोई इनके साथ टिका कहाँ। अभी फिलहाल में ही अगर देख ले तमिलनाडु में जो दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा इनका अलायंस था वो तो बिछड़ गया, इनसे छोड़ दिया। तो कोई इनके साथ है कौन, ना देश की जनता है, ना क्षेत्रीय दल है, ना कोई है। और क्षेत्रीय दल स्टेट है तभी ना सेंटर है भाई, जब स्टेटे नहीं रहेगा तो सेंटर किस बात का। बिहार में बीजेपी से क्रेडिट ले रही है, जो आप लोगों ने कास्ट सर्वे कराया उसका कह कि हम लोग के सहयोग के बिना नहीं हो पाता। हम लोग सरकार में थे इसीलिए हुआ है, हम लोग के सहयोग के बिना नहीं हो पाता। इतना अच्छा काम है तो देश में करा ना दे, काहेला मोदी जी मना कर देते हैं, काहेला इनके मंत्री सब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं हम नहीं कराएंगे, करवा ले।